हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा पढ़ चल रहा है क्लास प्रोपोगेशन प्रवर्धन, प्रवर्धन में हमने लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन समाप्त कर दिए थे, और हमारा चल रहा था लैंगिक अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन में हम लोगों ने जो है सेक्सुअल प्रोपोगेशन में बाई नेचुरल में हमने देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे बाई आर्टिफिशियल। बाई आर्टिफिशियल में आपके कई भाग हैं, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग इनमें भी कई भाग हैं, आठ आठ दस दस भाग हैं। सिर्फ कटिंग में थोड़ा दो तीन भाग हैं, तीन भाग है, बाकी तो वो सब बहुत बड़े बड़े हैं। इसीलिए आज हम कटिंग पढ़ेंगे। कलम, जिसे हम कहते हैं कलम, पौधे को नहीं कहते, कलम करके लगाया है, तो आज हम कलम के बारे में सीखेंगे। कलम कैसे किया जाता है, सॉरी कलम कैसे किया जाता है, ये आप लोग देख लीजिए। कटिंग, कटिंग की डिफिनेशन देख लीजिए। कटिंग की डिफिनेशन क्या होती है, जिसे कलम कहते हैं, ये सब विधियां हैं कलम का, पौधों को प्रवर्धन करने की विधियां हैं। कटिंग कलम में देख लीजिए, यह पौधे के प्रोपोगेशन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के भागों जैसे जड़, तना तथा पत्ती का पौधे से अलग करके उपयुक्त वातावरण में लगा दिया जाता है, जिससे वह नए पौधे जन्म दे सके या जन्म, हाँ जन्म दे सके या जन्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि पौधे के हम किसी भी भाग जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती, इन तीनों भाग से अपना प्रवर्धन किया जाता है। कलम, कलम हम लगाते हैं कटिंग, इनको काट कर जब हम अलग करके नए पौधे उगाते हैं तो उसे कटिंग कहते हैं। इसमें ये देखिए टाइप टाइप, ये तीन प्रकार के होते हैं कटिंग, रूट कटिंग, जड़ कलम, स्टेम कटिंग, तना कलम, और लीफ कटिंग, पत्ती कलम। समझ आया ना इसकी डिफिनेशन, कि पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती हुआ, इनको अलग करके नए पौधे को उगाना कटिंग या कलम कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और अपना लीफ कटिंग। स्टेम कटिंग में अपने तीन भाग आते हैं, तो अभी बताएंगे, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद इनके भाग को बता दें। अब देख लीजिए अपना रूट कटिंग, अब इनके भागों को पढ़ लिया जाए, रूट कटिंग आप समझ जाए कलम कैसे किया जाता है। आप भी कलम कर सकते हो, कलम वलम में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस लेंथ आपको पता रहना चाहिए, डायमीटर इसको, फिर उचित वातावरण, वातावरण जो है इतने में कलम करने के बीच जो वातावरण तैयार किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे अभी बहुत चैप्टर है, अभी तो ये शुरुआती चल रहा है, तो आप लोग देखते रहिए। रूट कटिंग, जड़ कलम, ऐसे पौधे जो सकर्ष पैदा करने वाले होते हैं उनकी रूट कटिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो पौधे सकर्ष पैदा करते हैं, सकर्ष जानते हो किसे कहते हैं, केला में जो निकलता है ना पलक से, जिसे कहते हैं पुत्ती, वही सकर्ष होता है। जितने भी सकर्ष वाले होते हैं उनमें जड़ कलम कर सकते हैं, क्योंकि वो जड़ से ही सकर्ष निकलता है, इसीलिए जान गए ना। जैसे देख लीजिए, जैसे उदाहरण में दिया हूँ, एप्पल, एप्पल माने से पियर, लीची, बनाना, अमरूद, सीट्रस और ब्लैकबेरी। सीट्रस माने नींबू होता है, बनाना माने केला, लीची माने लीची, पियर माने पियर, अमरूद तो जानते हैं, ब्लैकबेरी माने जामुन होता है। ये सबको रूट कटिंग द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसका देख लीजिए कैसे किया जाता है, इसमें जड़ की मोटाई, जड़ की मोटाई देखिए, जड़ की चौड़ाई जो 1 सेंटीमीटर और लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है, रखा जाता है 1 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर, तैयार करके पौधे भूमि के, तैयार करके जो इसका चौड़ाई जो रहती है जड़ की 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर में लंबाई में काट लेना चाहिए। जान गए ना जड़ की मोटाई वाला, ये बता दिया मैंने। इतना सब करने के बाद जब तैयार हो गया आपको लगाना है ना, तैयार करके भूमि में लंबवत लगा दिया जाता है, लंबवत माने खड़े गाड़ दिया जाता है। कुछ दिनों उपरांत इनमें जड़ व पत्तियां सहित, जड़े व पत्तियों सहित जड़े का ऊपरी भाग निकलने लगता है, जड़ पत्तियों सहित उसमें निकलने लगता है, पौधा आपका लग गया, समझ गए ना। तो ये आपका इतना ही रूट कटिंग था। अब देख लीजिए स्टेम कटिंग, तना कलम। तना कलम किसे कहते हैं, जब पौधे के तने से नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है तो उसे स्टेम कटिंग या तना कलम कहते हैं। जब पौधे के तने के भाग से कलम किया जाता है तो उसे स्टेम कटिंग या तना कलम कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता मतलब पकने के आधार पर इसकी तीन भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला हार्डवुड कटिंग, जिसे कठोर काष्ठीय कलम कहते हैं। दूसरा सेमी हार्डवुड कटिंग,
अर्ध कठोर काष्ठ की कलम इसे कहते हैं। और तीसरा देखिए सॉफ्ट वुड कटिंग या हर्बेशियस कटिंग, जिसे कोमल काष्ठी कलम या साकी या हर्बेशियस कलम कहते हैं। हाँ, समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको बताते हैं। हम देख लीजिए हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग अपना देख लीजिए, हार्डवुड कटिंग कैसे किया जाता है। तो इस तरह की कटिंग अधिक कड़ी टाइट हार्ड या पूर्ण परिपक्व स्टेन जिसकी उम्र 1 वर्ष होती है अच्छी मानी जाती है। हार्डवुड कटिंग के लिए जिस पौधे का पेड़ कठोर काष्ठी काष्ठी हार्ड होता है और 1 वर्ष पुराना होता है, ये कटिंग उसमें की जाती है। कौन? हार्डवुड कटिंग। कटिंग देख लीजिए, इसमें तना का व्यास 0.52 से 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं और लंबाई 10 से 45 सेंटीमीटर एवरेज। देखिए इक्वल है, ये बराबर पूरा है, एक मानक ही है, 22.5 सेंटीमीटर मानी जाती है, इसमें मानी जाती है। तो इतना याद रखना, बिना इसको लेंथ को याद रखे आप कलम कटिंग कैसे कीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ कटिंग को याद रखना चाहिए, एग्जाम में भी आपको पूछेगा। इसमें 1/3 भाग मृदा में दबाते हैं, इतना बार काट लेने के बाद जब मिट्टी में लगाते हैं तो 1/3 भाग को धसाया जाता है मिट्टी के अंदर, 1/3 भाग धसाया जाता है। अब देखिए इसमें किसमें किया जाता है ये हार्डवुड कटिंग, तो गुलाब में, फालसा, अंगूर व अनार में। अंगूर व अनार की व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है, आपसे पूछेगा अंगूर व अनार की व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि, तो हार्डवुड कटिंग बता देना। हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग किसमें आता है, तो स्टेम वुड में, हार्डवुड स्टेम कटिंग इसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए बी वाला, सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग इस तरह की कटिंग, अर्ध परिपक्व तना जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष पुरानी हो से तैयार की जाती है। तना का व्यास 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास एवं 7 से 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है। तो ये बस इसमें ये याद रखना, ये अर्ध परिपक्व मतलब ना पूरा पका हुआ ना पूरा कच्चा, भोजपुरी में बता दे ना पूरा पकल हुआ है और ना ही पूरा कच्चा हुआ, तो यही है आपको इसमें की जाती है सेमी हार्डवुड कटिंग। उदाहरण इनके उदाहरण आपको लिए सबसे मेन है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ICRBHU CUET, वो हमेशा इनके उदाहरण ही आपको पूछेगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी। और जो BSc के छात्र हैं और इंटर क्लास 11th 12th के, उनको तो थ्योरी लिखना है, तो थ्योरी मैं लिखा रहा हूँ, PDF भी भेज रहा हूँ, आप वहां से तैयार कर लीजिए, समझ समझ के सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए ये आम में किया जाता है, अमरूद में, आंवला में, पीयर में, लिमोन में, सिट्रस में, अनार में और फिग में, इतना याद रखना। आम अमरूद ये आपके लिए बहुत, आम अमरूद आंवला ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी हार्डवुड के लिए, और पीयर, लिमोन, सिट्रस, अनार, फिग इत्यादि में किया जाता है। इसमें 1/4 भाग ध्यान दीजिए, इसमें 1/4 भाग मृदा में चुभाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है। आपसे पूछेगा किसमें किस कटिंग में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है, तो आप बता देना सेमी हार्डवुड कटिंग में। पूछ लेगा सेमी हार्डवुड कटिंग का एक उदाहरण दीजिए, तो आम दे दीजिएगा, अमरूद, आंवला, पीयर, लिमोन, सिट्रस, अनार, ठीक इतना सारा लिखाया होती है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते। अब देख लीजिए सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग अपना देखिए कोमल काष्ठिक तना में किया जाता है। सॉफ्ट वुड कटिंग कोमल काष्ठिक कलम भी इसे कहते हैं हिंदी में, अगर आप याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे हेडिंग से ही इसमें क्या होता है। तो जो हिंदी वाला है मैं हिंदी वाली भी PDF भेजूंगा, इंग्लिश वाली, इंग्लिश में जो हेडिंग मैंने लिखा मैं दो दो सब्जेक्ट बनाया हूँ, एक हम UP कैटेट ICR की तैयारी की, तो उसका एक अपना इंटर का है उसका भी हम पढ़ रहे हैं, दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूँ एक साथ। तो अब ध्यान दीजिए सॉफ्ट वुड कटिंग इस तरह की कटिंग पौधे के मुलायम भाग के बढ़ने वाले भाग से तैयार की जाती है। अतः मतलब कि यह उस जो पौधे के मुलायम वाले भाग, जो पौधे के ऊपरी वाला भाग कलिकाएं निकलता है, कलिकाएं मतलब नहीं, जो ऊपरी भाग नो मुलायम मुलायम नहीं निकलता है, जो नया नया कॉस्टिक तना रहता है वो उसी से कटिंग की जाती है। अतः यह कोमल एवं गुद्देदार होती है, अतः यह कोमल एवं गुद्देदार होती, समझ गए, जहाँ नया नया निकलेगा तो कोमल व गुद्देदार होता है कोई भी पौधा का अगर निकलेगा पहला तना। तो इसमें तने का व्यास 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई 7 से 50 सेंटीमीटर रखा जाता है, ये याद रखना व्यास और 70, क्योंकि इसी हिसाब से ना आप कलम को कटिंग करेंगे, डाल को
कटिंग वही जानते रहे। जैसे ये किसमें किया जाता है, सेम में, चमेली में, गुलदावदी में व कार्नेशन। कार्नेशन क्या है, यह भी एक पुष्प का नाम है कार्नेशन। नहीं समझ में आया तो होगा तो गूगल पे सर्च मारकर पुष्प को देख लेना। अब देखिए अपना तना कलम खत्म हो गया, अब अपना पत्ती कलम देख लीजिए। तीसरा लीफ कटिंग पत्ती कलम, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां मोटी एवं मांसल होती है उसमें लीफ कटिंग किया जाता है। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां मोटी एवं मांसल होती हैं उसमें लीफ कटिंग किया जाता है। पत्ती के कर्तन द्वारा लगाए जाते, पत्ती को कर्तन द्वारा लगाया जाता है। कर्तन क्या है ये आगे बता देंगे। कर्तन मतलब वही अपना होता, पत्ती को काट कर कर्तन द्वारा लगाया जाता है। जैसे ये ब्रायोफाइलियम, ब्रायोफाइलियम ये पत्थर चट्टा को कहते हैं। ब्रायोफाइलियम और बिगोनिया ये दो ऐसे पौधे हैं जिसमें लीफ कटिंग द्वारा किया जाता है। पत्थर चट्टा को तो आप देखे होंगे पत्ती द्वारा लगाया जाता है। नोट, नोट में देख लीजिए, नोट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कलम जब लगा रहे हैं तो इनकी भी जरूरत पड़े। तो जड़ फुटान हेतु रसायन, जड़ फुटान हेतु रसायन तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसे IBA कहते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसका 1500 से 200 ppm उसमें पोत कर या लगा कर जमीन में धसाएंगे तो जल्दी से पौधे का विकसित हो जाए। व्यापारिक नाम, बाजार में किस नाम से मिलता है उसे व्यापारिक नाम कहते हैं। तो देखिए सोर्डेक्स नाम से बिकता है, रूटेक्स, क्विक रूटिंग और रेपिड रूट, ये इतने नाम से बाजार में आपको मिल जाएगा IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कलम को 45 डिग्री के कोण पर लगाते हैं व 2 से 3 कलिकाएं जमीन में दबाते हैं। कमल को जो 2 से 3 कलिकाएं, जैसे यह है हमारा एक तना, मान लो तना हमारा है, इसमें जो 2-3 कलिकाएं हैं हम जमीन में धसाएंगे और इतने 2-3 कलिकाएं ऊपर रहेंगी, तो जमीन में जो धसी कलिकाएं रहेंगी वहां से उनकी जड़ें विकसित होंगी और जो ऊपर रहेगा उससे वहां से तना पत्तियों का विकास होगा, इसीलिए किया गया। और जो अपना IBA है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, उसको इसमें पोत कर जड़ वाले में उसको लगाते हैं जिससे जल्दी से जड़ फुटान होगा, पौधा जल्दी से लगेगा। समझ आया ना, तो स्क्रीन शॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आपका ये कटिंग पूरा यहाँ पर समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम लेयरिंग पढ़ेंगे जिसे दाबविद कहते हैं, वो आपके लिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये चैप्टर चल रहा है आपको इम्पोर्टेंट और आपको एक बेसिक नॉलेज दे कर जाएगा, आप कलम घर पर कर सकते हैं आसानी से। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।